नमस्कार, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। तो सुना आपने, एकदम 100 आने सही सुना। जब तक योगी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन है। गुंडे मवाली गाना गाएंगे, भ्रष्ट अधिकारी नाचेंगे। आजकल उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए सीएम योगी और उनकी पुलिस नायाब तरीका निकाल रही है। इसके लिए क्या बड़ा प्लान बनाया है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कृपया बीप के बाद अपना ध्वनि संदेश रिकॉर्ड करें। धन्यवाद। योगी के बुलडोजर पर लगी रोक तो उछलने लगे मौलाना, कर दिया ऐलान। बाबा ने कर दिया ऐलान, नंबर मिलाओ जेल पहुंचाओ, आ गई कयामत। बाबा ने कार्रवाई का तरीका बदला, नायाब तरीका दे, कोर्ट भी हैरान, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगा। जब से बाबा ने यूपी की सत्ता संभाली तब से भय को खुटी पर टांग कर रख दिया। और सीधे शब्दों में कहें तो जिनके आतंक के सामने नेता भी गुंडों के घर के सामने सुबह शाम जाकर हाजिरी लगाते थे, बाबा की पुलिस ने उन गुंडों को मिट्टी में मिला दिया। गुंडों के बलबूते पर चलने वाली सरकारों को खून के आंसू रुला दिया। लोगों का मानना है कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोर्ट के बुलडोजर ने कार्रवाई पर रोक लगाई, वैसे ही जगह जगह से मुस्लिम नेताओं और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और कोर्ट का फैसला सही बताने लगे। लेकिन सीएम योगी ने बिना देरी किए अपने काम का तरीका चुटकियों में बदल लिया। फिर क्या था, इस तरीके को देखकर भ्रष्ट अधिकारी, नेता और मौलाना घबराने लगे। दरअसल सीएम योगी के कुछ बड़े तरीके तो ऐसे हो गए जो अन्य राज्यों ने फॉलो करना शुरू कर लिया है। हाल ही में व्हीलचेयर वाला यूपी पुलिस का फॉर्मूला जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इसी बीच बाबा ने नंबर वाला फॉर्मूला लॉन्च कर दिया है, जिसके भय से सरकारी कर्मचारी नाचने लगे हैं और कथक डांस करने लगे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस नंबर मिलाओ जेल पहुंचाओ अभियान चालू कर दिया है। बाबा रुकेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाएंगे, हर हाल में उनको सजा दिलवाएंगे। अब भ्रष्टाचारी रोएंगे, जनता हंसेगी, योगी के विरोधी भी तारीफ करेंगे। बाबा ने लॉन्च किया है ऑपरेशन रिश्वतखोर। प्रधान हो या सरकारी सिस्टम, लेखपाल मांगे रिश्वत या बाबू करे मनमानी, इस नंबर पर मिलाइए फोन। सूचना वाले को मिलेगी खुशी और इज्जत वाले को मिलेगी जेल में आराम। शिकायत पर डरे नहीं, नंबर मिलाओ जेल पहुंचाओ। शिकायतकर्ता की सूचना रखी जाएगी गोपनीय। रिश्वतखोरों के उड़ाएंगे होश, बुलडोजर का बाप उतरा मैदान में, चुन चुन कर लगेगी लगाम। नया प्लान सुन हो जाओगे खुश। इन 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उस प्रयास में सबसे बड़ा सहारा ऑपरेशन बुलडोजर रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा रहा है और तमाम सारे तरीके सिस्टम को सुधारने में रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट ने ऑपरेशन बुलडोजर पर लाल झंडी दिखाकर बीच में रोक दिया है। इसके बाद सीएम योगी ने भी काम करने का तरीका मेरिटों में बदल लिया है। यूपी की बात करें तो जनसंख्या से ज्यादा भ्रष्टाचार है और ये दीमक की तरह घुस रहा है। किसी भी अधिकारी से मिलो, बस एक ही जवाब आता है, क्या करें साहब, फाइल जो आगे बढ़ानी है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने सुविधा शुल्क का रूप ले लिया है। लेकिन फिर भी जनता को राहत नहीं मिली है। लेकिन सीएम योगी ने एक नायाब तरीका निकाला है, जिसे सुनकर आप कहोगे वाह योगी वाह। आइए बताते हैं सीएम योगी और उनकी विजिलेंस टीम के बड़े काम, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। अब सीएम योगी ने काम करने का तरीका बदला तो ऑफिसर भी एक्टिव हो गए, घंटों का काम सेकंडों में कर लिया। फिर क्या है, सीएम योगी ने ऑपरेशन 75 लॉन्च कर दिया, यानी अब बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी। तो क्या हुआ, यूपी के सभी 75 जिलों में विजिलेंस की टीम एक्टिव तत्काल प्रभाव से हुई है, जो रिश्वत की जांच करती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट, पुलिस कांस्टेबल, एसडीएम का पेशकार, जूनियर इंजीनियर, डॉक्टर सब रडार पर है। जमीन की रजिस्ट्री करने वाले सरकारी बाबू से लेकर हर पार्टी के लोकल नेता तक नजर है। इसका बड़ा असर ये हुआ है कि इस कार्रवाई से पूरे यूपी का सिस्टम हिल गया है। महज 15 दिन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, हिल गया पूरा सिस्टम। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा खानपुर में एक हेड कांस्टेबल। दरअसल 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, इसके एवज में 20,000 रुपए की डील फाइनल हुई। वहीं इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरना यही नहीं रुका है, आगे आपकी समस्या और आपको कोई सता रहा है तो यूं तुरंत उठाइए फोन, कर दीजिए शिकायत।
दरअसल आपको ध्यान हो कि एमएटी में कुछ दिन पहले एसडीएम के पेशकार की शिकायत होती है, रिश्वत लेने का मामला तूल पकड़ता है, रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम उसे घसीट लेती है और घसीट कर ले जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर योगी की तीसरी आंख की पावर के पीछे वो अधिकारी कौन है जिसने कसम खाई है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की, जिसके शासन में नकेल कसना शुरू हो चुका है। वो है राजीव कृष्ण विजिलेंस डिपार्टमेंट के एडीजी, जो जनता के बीच मैसेज देते हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर 9454-1866 पर शिकायत करें, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ढंग से इलाज हम करेंगे और आपकी शिकायत गोपनीय रखी जाएगी, और भ्रष्टाचार सहन करने की बजाय उसका खुलासा कीजिए और सिस्टम का साथ दीजिएगा, सिस्टम हर हालत में आपके साथ है। योगी कहते हैं कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बचेगा नहीं, हर हाल में उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। इसी के एवज में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एडीजी राजीव कृष्ण ने कमान संभाल ली है, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। अधिकारी का संदेश साफ है, आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि पहली बार यूपी में इतने बड़े पैमाने पर नकेल कसी जा रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर चपरासी पर विजिलेंस की पैनी नजर है। एंटी करप्शन टीम को आप एक कॉल करेंगे और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की हवा खराब हो जाएगी और देखते ही देखते पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन यूपी के मुखिया सीएम योगी यही नहीं है, बल्कि यूपी में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए एक बड़ा फैसला गोरखपुर में ले लिया है, इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर हो चुकी है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल अब गोरखपुर में अब दूध बेचने वाले हर व्यक्ति को आई कार्ड जारी किया जा रहा है, इसके जरिए वो अपना दूध बेच सकेगा। बड़ी बात यह है कि खाद्य रसद विभाग में 1 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर दूध में मिलावट मिली तो 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एक नंबर भी जारी किया गया है 9415-3318-93 पर शिकायत करें, दूध में मिलावट हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी सीएम योगी का साफ संदेश है, गांव हो या शहर, किसी ने जनता को ठगने की कोशिश की तो अधिकारी उनकी आरती उतारते हुए नजर आएंगे। सामने होगा बाबा का विजिलेंस डिपार्टमेंट का बुलडोजर, यानी जिले से लेकर गांव तक, कर्मचारियों से लेकर दूध वाले तक, किसी ने भी जनता को ठगने की कोशिश की तो फिर क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। आपको खुद उत्तर प्रदेश में विजिलेंस टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही होगी, इसका उदाहरण आप देख सकते हो। 16 अगस्त को फिरोजाबाद में विद्युत उप केंद्र के अवर अभियंता राम यज्ञ 1,00,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए। वही 10 सितंबर को कानपुर में विजिलेंस टीम ने विक्रय विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नीरज महोत्रा को भूखंड रजिस्ट्री के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 9 सितंबर को दूसरी ओर बावरपुरा सीओ ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी सहनवास खान 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। 10 सितंबर को अमेठी में एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम ने एसडीएम के पेशकार को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, घसीटते हुए ले गई पुलिस। 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को थाने के अंदर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दरोगा टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित से बेटों के नाम मुकदमे से हटाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, 20,000 में सौदा तय हुआ था और 5,000 रुपए दरोगा ले भी चुका था। इसी बीच शिकायत की गई और एंटी करप्शन टीम ने मौके पर जाकर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, लेकिन दरोगा मौका पाकर फरार हो गया। 17 अगस्त को हापुर के लेखपाल धामी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं 17 अगस्त को आगरा में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राम प्रताप शर्मा 3,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। वहीं 24 अगस्त को कानपुर में नगर निगम के जूनियर लेपक राजेश कुमार यादव को 1,00,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। वहीं 2 सितंबर को मिर्जापुर में स्वास्थ्य कर्मी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। 7 सितंबर को हापुड़ में नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता 30,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। वहीं 1 सितंबर को सहारनपुर के देवबंद में चकबंदी अधिकारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अगर आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगानी चाहिए, योगी को बड़े तरीके पर काम करने की जरूरत है और आप चाहते हो कि रिश्वतखोरी कम हो, इसके लिए नंबर पर कॉल करें और जेल में डालो अभियान को सफल करें। एक बार फिर से हम आपको नंबर बताते हैं। पहला नंबर है विजिलेंस डिपार्टमेंट का 9454401866, जिस पर आप रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की शिकायत कर सकते हो। दूसरा, गोरखपुर में दूध के कारोबार पर मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए 9415331893 पर शिकायत कर सकते हो। भ्रष्ट दूध में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आप खुद तैयार रहो, सीएम योगी का सपना है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करना है, अधिकारी आपके साथ रहेंगे, नेता भी आपका काम करेंगे, क्योंकि बस सीएम योगी का एक ही सपना है, नंबर मिलाओ, जेल पहुंचाओ, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाओ।
नमस्कार, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कृपया बीप के बाद अपना ध्वनि संदेश रिकॉर्ड करें। धन्यवाद।